हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टारडस्ट में। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड बाकमाल डायरेक्टर, एडिटर और राइटर ऋषिकेश मुखर्जी की एज अ डायरेक्टर रिलीज होने वाली तमाम मूवीज़ के बारे में डिटेल वाइज आप व्यूवर से बात करने जा रहे हैं। व्यूवर, ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज 1957 में रिलीज होने वाली दिलीप कुमार स्टारर मूवी मुसाफिर से किया। और एज अ डायरेक्टर उनकी करियर बेस्ट मूवीज़ की बात करें तो उनमें शामिल है अनाड़ी, सत्याकाम, चुपके चुपके, अनुपमा, आनंद, अभिमान, गुड्डी, गोलमाल, मजली दीदी, चेताली, आशीर्वाद, बावर्ची, खूबसूरत, किसी से ना कहना और नमक हराम जैसी बड़ी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। और उनकी करियर की एज अ डायरेक्टर लास्ट मूवी थी 1998 की झूठ बोले कौवा काटे। तो आज की इस वीडियो में हम ऋषिकेश मुखर्जी की एज अ डायरेक्टर रिलीज होने वाली तमाम मूवीज़ के बारे में आप व्यूअर्स से बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो व्यूअर, ऋषिकेश मुखर्जी की एज अ डायरेक्टर डेब्यू मूवी थी मुसाफिर। फिल्म की लीड कास्ट में दिलीप कुमार, किशोर कुमार, सुचित्रा सेन और निरूपा रॉय शामिल थे। और यह फिल्म 26 अप्रैल 1957 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर मुसाफिर एक अबव एवरेज मूवी करार दी गई थी। एज अ डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की सेकेंड मूवी थी अनाड़ी। फिल्म की लीड कास्ट में राज कपूर, नूतन, मोतीलाल, ललिता पवार शामिल थे। और यह फिल्म 16 जनवरी 1959 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अनाड़ी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी अनुराधा। फिल्म की लीड कास्ट में बलराज साहनी, अभी भट्टाचार्य और नासिर हुसैन शामिल थे। और यह फिल्म 1960 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अनुराधा एक हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी मैम दीदी। फिल्म की लीड कास्ट में जियान, ललिता पवार शामिल थे। और यह फिल्म 1961 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी छाया। फिल्म की लीड कास्ट में सुनील दत्त, आशा पारेख, निरूपा रॉय और नाजिर हुसैन शामिल थे। और यह फिल्म 1961 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर छाया एक एवरेज मूवी करार दी गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी असली नकली। फिल्म की लीड कास्ट में देवानंद, साधना, नाजिर हुसैन शामिल थे। और यह फिल्म 1962 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह एक हिट फिल्म करार दी गई थी। और व्यूअर, इसी तरह ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी आशिक। फिल्म की लीड कास्ट में राज कपूर, नंदा, पद्मनी शामिल थे। और यह फिल्म 1962 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर यह भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी सांझ और सवेरा। फिल्म की लीड कास्ट में मीना कुमारी, गुरुदत्त, महमूद शामिल थे। और 1964 को रिलीज होने वाली यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी अनुपमा। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, देवन वर्मा शामिल थे। और यह फिल्म 1967 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अनुपमा एक अबव एवरेज मूवी करार दी गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी गबन। फिल्म की लीड कास्ट में सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज और लीला मिश्रा शामिल थे। और यह फिल्म 1967 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर गबन एक सीमा हिट फिल्म साबित हुई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी हुई नेक्स्ट मूवी थी बीवी और मकान। फिल्म की लीड कास्ट में बिस्वजीत चटर्जी, काल्पना मोहन, महमूद शामिल थे। और यह फिल्म 1967 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। और व्यूअर, इसी तरह ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी मंजली दीदी। फिल्म की लीड कास्ट में मीना कुमारी, धर्मेंद्र, सचिन शामिल थे। और यह फिल्म 1967 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर मंजली दीदी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी आशीर्वाद। फिल्म की लीड कास्ट में अशोक कुमार, संजीव कुमार, सुमिता सन्याल शामिल थे। और यह फिल्म 1968 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज मूवी साबित हुई। और फ्रेंड, ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी सत्याकाम। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अशोक कुमार, शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार शामिल थे। और 1969 को रिलीज होने वाली मूवी सत्याकाम, यह फिल्म स्टोरी वाइज तो बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन कमर्शियली सत्याकाम एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। और व्यूअर, ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी प्यार का सपना। फिल्म की लीड कास्ट में अशोक कुमार, मालहा सिन्हा शामिल थे। और यह फिल्म 1969 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई।
और व्यूअर ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बने उनकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी आनंद। इस फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुमिता सन्याल और रमेश देव शामिल थे और ललिता पवार भी इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा थी। और ये फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई और राजेश खन्ना की बेहतरीन परफॉर्मेंस से जुड़ी ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म आनंद बॉक्स ऑफिस पर एक सीमे हिट फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी गुड्डी। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जया प्रदा, उपतल दत्त और सुमित भांजा शामिल थे और ये फिल्म 24 सितंबर 1971 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर गुड्डी एक अबव एवरेज मूवी करार दी गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी बुड्ढा मिल गया। फिल्म की लीड कास्ट में ओम प्रकाश, नवीन निस्कोल, देवेन वर्मा शामिल थे और ये फिल्म 4 जून 1971 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ये एक हिट फिल्म करार दी गई। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी बावर्ची और इस फिल्म में एक बार फिर राजेश खन्ना का साथ मिला था ऋषिकेश मुखर्जी को और राजेश खन्ना का साथ दिया था जिया बादरी, असरानी और उषा किरण ने और यह फिल्म 7 जुलाई 1972 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बावर्ची एक हिट फिल्म साबित हुई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी सबसे बड़ा सुख। फिल्म की लीड कास्ट में नरगीता, विजय अरोरा शामिल थे और यह फिल्म 8 दिसंबर 1972 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। और फ्रेंड इसी तरह ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी अभिमान। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, असरानी और बिंदु शामिल थे और यह फिल्म 27 जुलाई 1973 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अभिमान एक अबव एवरेज मूवी साबित हुई। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी नमक हराम। आनंद के बाद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन सर को एक बार फिर ऑन स्क्रीन लिया ऋषिकेश मुखर्जी ने और उनका साथ दिया रेखा, सिमी गरीवाल ने और यह फिल्म 23 नवंबर 1973 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर नमक हराम एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी फिर कब मिलोगी। फिल्म की लीड कास्ट में बिस्वाजीत, माला सिन्हा, देवेन वर्मा शामिल थे और यह फिल्म 3 मई 1974 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। और इसी तरह ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी चुपके चुपके। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश शामिल थे और यह फिल्म 11 अप्रैल 1975 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर चुपके चुपके एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी मिली। फिल्म की लीड कास्ट में अशोक कुमार, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, असरानी, अरुण ईरानी शामिल थे और यह फिल्म 20 जून 1975 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर मिली एक एवरेज मूवी का स्टेटस हासिल कर पाई। और फ्रेंड ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी चेताली। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, सायरा बानो, प्रदीप कुमार और दुर्गा खोटे शामिल थे और यह फिल्म 26 सितंबर 1975 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर चेताली एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी अर्जुन पंडित। फिल्म की लीड कास्ट में संजीव कुमार, अशोक कुमार, विनोद मेहरा और श्री विद्या शामिल थे और ये फिल्म 16 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अर्जुन पंडित एक फ्लॉप फिल्म का स्टेटस हासिल कर पाई। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी अलाप। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, रेखा, असरानी, फरीदा जलाल, ओम प्रकाश शामिल थे और यह फिल्म 8 अप्रैल 1977 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अलाप एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। और व्यूअर ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी कटवाल साहब और इस फिल्म में पहली दफा ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करने का मौका मिला था शत्रुघ्न सिन्हा का और उनका साथ दिया था अपर्णा सेन, उपतल दत्त और असरानी और ओम शिवपुरी ने और यह फिल्म 10 जून 1977 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कटवाल साहब एक एवरेज मूवी साबित हुई। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी नौकरी। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, जहीरा, राज कपूर, नादिरा शामिल थे और यह फिल्म 9 जून 1978 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर नौकरी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और व्यूअर ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी क्लासिक कॉमेडी मूवी गोलमाल। फिल्म की लीड कास्ट में अमोल पालेकर, उपतल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, डेविड शामिल थे और यह फिल्म 20 अप्रैल 1989 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर गोलमाल एक हिट फिल्म साबित हुई। और वीवर ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी जुर्माना। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, राखी, विनोद मेहरा, असरानी शामिल थे और यह फिल्म 11 मई 1979 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर जुर्माना एक एवरेज मूवी साबित हुई। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी खूबसूरत। फिल्म की लीड कास्ट में अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन, शशिकला शामिल थे और यह फिल्म 25 जनवरी 1980 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर खूबसूरत एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई। और व्यूअर इसी तरह ऋषिकेश मुखर्जी सर की डायरेक्शन में बनी फिल्म थी नरम गरम। फिल्म की लीड कास्ट में अमोल पालेकर, उपतल दत्त, स्वरूप संपत, शत्रुघ्न सिन्हा और ए के हंगल शामिल थे और यह फिल्म 13 मार्च 1981 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर नरम गरम एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई।
ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी बेमिसाल। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, राखी, विनोद मेहरा, गोगा कपूर शामिल थे और यह फिल्म 5 मार्च 1982 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बेमिसाल एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। और फ्रेंड इसी तरह ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी रंग बिरंगी। फिल्म की लीड कास्ट में परवीन बॉबी, अमोल पालेकर, दीप्ति नवाल, उपतल दत्त और देवन वर्मा शामिल थे और यह फिल्म 6 मई 1983 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर रंग बिरंगी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। और फ्रेंड ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी किसी से न कहना। फिल्म की लीड कास्ट में फारूक शेख, दीप्ति नवाल, उपतल दत्त और सईद जाफरी और देवेंद्र वर्मा शामिल थे और यह फिल्म 1983 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर किसी से न कहना एक एवरेज मूवी का स्टेटस हासिल कर पाई। और व्यूअर ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी अच्छा बुरा। फिल्म की लीड कास्ट में राज बब्बर, अनीता राज, अमजद खान और दीना पाठक शामिल थे और यह फिल्म 17 सितंबर 1983 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी झूठी। फिल्म की लीड कास्ट में रेखा, राज बब्बर, अमोल पालेकर, सुप्रिया पाठक शामिल थे और यह फिल्म 23 सितंबर 1985 को रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर झूठी एक फ्लॉप फिल्म ही करार दी गई। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी नामुमकिन। फिल्म की लीड कास्ट में संजीव कुमार, राज बब्बर, जीना तमान, विनोद मेहरा और ओम शिवपुरी शामिल थे और 1988 को रिलीज होने वाली नामुमकिन बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। और व्यूअर 1988 के बाद तकरीबन 11 साल बाद ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी आई झूठ बोले कौवा काटे। फिल्म की लीड कास्ट में अनिल कपूर, जूही चावला, अमरीश पुरी, रीमा लागू, अनुपम खेर शामिल थे और यह फिल्म 4 दिसंबर 1998 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 4 करोड़। उसने इंडिया में 4 करोड़ 5 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 6 करोड़ 13 लाख और बॉक्स ऑफिस पर झूठ बोले कौवा काटे ये एक फ्लॉप फिल्म करा दी गई और यही एज अ डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की रिलीज होने वाली उनके करियर की आखिरी मूवी भी साबित हुई। और व्यूअर ऋषिकेश मुखर्जी के कंप्लीट करियर का अगर जायजा ले तो ऋषिकेश मुखर्जी ने 41 मूवीज को डायरेक्ट किया जिनमें से उनकी 2 मूवीज सुपरहिट, 5 मूवीज हिट, 5 मूवीज सेमी हिट करार दी गई और उनके कंप्लीट करियर में 4 मूवीज अबव एवरेज, 7 मूवीज एवरेज और 2 बिलो एवरेज रही और इसी के साथ साथ ऋषिकेश मुखर्जी के कंप्लीट करियर में 14 मूवीज उनकी फ्लॉप और 2 डिजास्टर रही। तो इस हिसाब से ऋषिकेश मुखर्जी की कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो बनता है 60.98%। तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।